गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट. वेरी एंड वेरी शॉर्ट वीडियो. टुडे इज वेरी एंड वेरी शॉर्ट वीडियो. फाइंड अबाउट 7 एंड 8 अबाउट केमिकल रिएक्शंस है ना. तो 7 नंबर राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. कहता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखना. बैलेंस का मतलब दोनों तरफ सेम टू सेम. बैलेंस्ड का मतलब दोनों तरफ आपका सेम टू सेम. दोनों तरफ ये जो है सेम नंबर एटम होनी चाहिए. देखिए फर्स्ट नंबर या बहुत छोटा वीडियो होगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लिख दीजिए. तो पहले सिंबल यूज करेंगे ना जी. प्लस CO2 बना देगा क्या? CaCO3 बनाता है और प्लस H2O. CaCO3 प्लस H2. ओ देखिएगा बैलेंस ऑलरेडी पहले से लगता है. एक कैल्शियम एक कार्बन एक कार्बन. ऑक्सीजन 2 2 4 3 1 4 दो हाइड्रोजन बैलेंस है. इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. बैलेंस करने की इसे जरूरत नहीं है. देखिएगा सेकंड है उसी तरह जिंक. कितना बार इसे किए वो पढ़े होंगे आप लोग. बैलेंस वाला जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बनाता है जिंक नाइट्रेट ZN NO3 का होल 2 हो जाएगा और प्लस सिल्वर Ag. देखिए बैलेंस कीजिए. देखिए NO3 से डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेते हैं. कि NO3 इधर भी NO3 इधर भी इधर एक टू इधर दो टू. तो इधर 2 से ही 2 कर दीजिए है ना. अब Ag भी 2 हो गया तो इधर भी 2 से ही 2 कर दीजिए. अब ZN को ZN बैलेंस हो गया. और क्या Ag 2 को NO3 2 को है ना. ठीक है उसी तरह अल्मोनियम है प्लस कॉपर क्लोराइड बनाता है अल्मोनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर. बैलेंस कीजिए. एक अल्मोनियम क्लोरीन यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पे 2 है. तो देखिए क्या करते हैं इधर 3 से इंटू कर देते हैं और इधर 2 से. तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो जाएगा. इधर 3 2 जा 6 होंगे अल्मोनियम 2 हो गया. इधर 2 से कर दीजिए हो गया बैलेंस. कॉपर 3 हो गया. बैरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट ये बनाएगा बैरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड. देखिए बैलेंस कीजिए. बैरियम एक एक SO4 पोटासियम 2 इधर एक है तो 2 से इंटू कर दीजिए है ना. 2 से इंटू कर दिए तो क्लोरीन 2 हो गया. बैलेंस हो गया. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. आप चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिएगा 8 नंबर राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. बस वही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. आइडेंटिफाई में कौन ऐड कर दिया गया. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब किस टाइप का रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन है डीकम्पोजिशन है ना डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट है ये भी बताना है आपको. ठीक है पहले तो बैलेंस करना है उसके बाद आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन कि डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट है ना एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है ये वाला. ठीक है तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है पोटासियम. चले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सिंबल लिखते हैं पोटासियम ब्रोमाइड है ना. ब्रैकेट में लिख दिया क्यों मतलब वाटर में मिला हुआ है. बैरियम आयोडाइड BaI2 ये भी एक क्यू है. ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जी. तो ये बनाया क्या आपको बनाता है पोटासियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड BaBr2. चलिए इसको बैलेंस कर दीजिए. देखिए पोटासियम एक एक आपका Br ब्रोमीन एक 2 है इधर एक है तो 2 से इंटू इधर 2 ब्रोमीन है इधर 1 है 2 से इंटू पोटासियम डॉट हो गया इधर भी 2 से इंटू आयोडीन डॉट हो गया. आयोडीन 2 का बैलेंस हो गया. ये हो जाएगा क्या चीज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल दो बार इधर उधर हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या आपको रिएक्शन में लिखना था है ना. चलिए अब देखिए अगला है जिंक कार्बोनेट सॉलिड है ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा. डीकम्पोजिशन मतलब टूट रहा है. देखिए ये बैलेंस है ऑलरेडी पहले से एक जिंक ऑक्सीजन 3 1 2 3
कार्बोनेट ये हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो जाना, एक गो से दो तीन गो बन जाना, तो एक था दो गो बन गया डीकम्पोजिशन। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 बनाता हाइड्रोजन क्लोराइड, ये देखिए बैलेंस हो गया होगा, देख लीजिएगा दो हाइड्रोजन टू से इंटू कर दिए, दो क्लोरीन हो गया, दो टू दोनों के लिए ना है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दो को मिलके एक बनाया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब वही चीज सब पहले बहुत बार कितना रिपीट किए हैं, पहले बहुत रिपीट किए हैं पहले। ये मैग्नीशियम सॉलिड है HCl, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ब्रैकेट में एक्टिव मतलब वाटर में मिला हुआ है जलीय हाइड्रोजन जी, सिंबल बैलेंस की एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, क्लोरीन यहाँ दो है यहाँ वन है, टू से इंटू कर दो हाइड्रोजन दो ठो दो को बैलेंस हो गया। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखिए Cl किया ये आपका यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, Cl जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ गया यानी डिस्प्लेसमेंट, Cl यहाँ से यहाँ आ गया यानी क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है डिस्प्लेसमेंट। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो खत्म करने के पहले आप वही बोलते आ रहा हूँ वही फिर से बोलूंगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल।